पठानकोट में भारी बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बात कर रहे हैं पठानकोट के गाड़ीहाता चौक की, जहां पे बरसात के दौरान गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। तो बताते चले आपको, यहां के लोगों का कहना है थोड़ी सी बारिश होने से घंटों घंटों तक पानी खड़ा रहता है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही व्यापारियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 8 से 10 साल से ये समस्या का वह सामना कर रहे हैं। ग्राहक आते हैं लेकिन गलियों में पानी को खड़ा देखकर लोग वापस चले जाते हैं, जिसके चलते व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ। तो वहीं लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने इसका हल नहीं किया तो आने वाले समय में वह चुप नहीं बैठेंगे, और अगर एक दो दिन में इसका हल नहीं हुआ तो वह सारी चाबियां जो है कमेटी घर को सौंप देंगे और रास्ता ब्लॉक कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी जो है प्रशासन की होगी। मैं हरीश मेहता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब एनसीपी। हाँ जी, हाँ जी, की समस्या यूनियन का प्रधान गाड़ी चौंक तो बोल रहे हैं। इतने प्रॉब्लम यह है कि जो भी बारिश होंगी है, पिछले 10-20 साल तो इतने पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने इस तरह कि कस्टमर आता है, कस्टमर वापस आ जाता, दुकानदार लॉस हों, दुकानदार ने कई बार कंप्लेट करवाई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जाके, पर अज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार अखबारों से भी निकले सब कुछ होया, कई बार कहते हैं कि चार जा करी कहते हैं पांच जा एरिया पांच जा, अज भी मेरी गल हुई है पंकज जी ने गल हुई, पंकज जी कहते मेरे मेरे एरिए नहीं आता, प्रभजोत एरिए आता एरिया मेरी अनगल होने तो बाद भी उन्होंने कहा भी फिर प्रभजोत हो आए ने, वो कहते जी यहाँ कोई हल कर दें, पर हल अज तक कोई भी किसी भी बंद ने अदा हल नहीं किया। और असी अगर यदा हल ना हो सारे दुकानदारा ने अपने ताले ला के चाबी से रोड तो बंद करके और चाबियां जड़िया आप प्रधान दे के आ गई उसे अपना की समस्या मदन लाल समस्या पानी की है। जिन्हें एक घट घट 8-10 साल तो जिस तरह पहले मेरे वीर ने कहा 8-10 साल तो समस्या आ रही है। कमेटी के अधिकारी मैडम जी आए ना, काफ़ी हरी आए ना, वो इको कहते अज हल हो गए कल हल हो जाएगी, पर अजे तक साड़ी समस्या कोई हल नहीं हुई। ग्राहक आंदा, ग्राहक कहता दुकानदार शिदाई ने जे कट्ठे हो गए क्यों नहीं जाते कमेटी घर स्यापा करते, या क्यों नहीं मतलब कहना घराव करते कमेटी घर का प्रधान का क्यों नहीं घराव करते। उसके बावजूद कोई समस्या नहीं आ रही, अखबारों जी आया टीवी जी आया, परंतु प्रधान जी ने मिले असी जैसा मेरे सज्जन ने कहा फिर कमेटी के बाकी अधिकारियों ने मिले, किसी ने कोई साड़ी समस्या हल नहीं की। साड़ी कोई बेनती है कि ग्राहक की समस्या को देखते हुए, दुकानदार तो है ही मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट है, ग्राहक की समस्या को देखते हुए साड़ा जरा हल पानी हल किया, क्योंकि जो भी लेडीज आदि ने बेचारी अपने सलवारा चौके आदि ने, और यही सू गा ही कर दी है कि दुकानदार सारी सजाई ने जो मतलब कि समस्या का हल क्यों नहीं कर सकते। असी जैसा मेरे सज्जन ने कहा कि असं अज जे एक अद्धे दिन से नहीं हल होया असी सारे कमेटी घर सारिया चाबियां कमेटी घर के प्रधान को सौंप देनी है, और मेयर सानू सौंप देनी है कि असं रस्ता ब्लॉक करके उस जिम्मेदारी प्रशासन की या पुलिस अधिकारी या म्यूनसिपल कारपोरेशन की होगी, साड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पठानकोट से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट, AY न्यूज पंजाब। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ, आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड।